फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अवेस। वेलकम टू सारिम्स बर्डजोटिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं येलो साइडेड कॉन्योर के बारे में, स्पेसिफिकली येलो साइडेड कॉन्योर। येलो साइडेड कॉन्योर इज अ म्यूटेशन ऑफ अ ग्रीन चिक कॉन्योर। येलो साइडेड कॉन्योर जो है ग्रीन चिक कॉन्योर का म्यूटेशन है। हम इसके जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन शॉर्ट, येलो साइडेड कॉन्योर एज अ पेट वी आर डिस्कसिंग येलो साइडेड कॉन्योर एज अ पेट्स। स्टार्ट करते हैं हम इसके नेटिव रीजन से। इसका जो नेटिव रीजन है, इट इज़ साउथ अमेरिका, कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, ब्राज़ील एक्सेट्रा आर दी रीजन, नेटिव रीजन ऑफ दी येलो साइडेड कॉन्योर। येलो साइडेड कॉन्योर का नेटिव रीजन साउथ अमेरिका, जो कंट्रीज है ब्राज़ील, अर्जेंटीना एक्सेट्रा, ये कंट्रीज में पाए जाते हैं। इसका लाइफ स्पेन जो होता है, इट इज़ अराउंड 20 ईयर्स, 20 साल का लाइफ स्पेन है इनका। कैप्टिव के अंदर 25 से 30 साल तक के भी जाता है इनका लाइफ स्पेन। करंटली दिस चिक, ये जो बच्चा है, इट इज़ अराउंड 3 मंथ्स, 2.5 to 3 months, सेल्फ ईटिंग बच्चा है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। इनका साइज जो होता है, इट इज अराउंड 10 इंच फ्रॉम बीक टू टेल जो है इनका, जो है साइज है, इट इज 10 इंच, मतलब 10 इंच का साइज है इनका फ्रॉम बीक टू टेल। अराउंड 8 to 11 के आसपास होता है। ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज 10 इंच। फूड, खाने के बारे में हम इनके डिस्कस करते हैं। देखिए, कोई भी बर्ड के लिए फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। खाना जो होता है, उसका बहुत सही तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। खाने में इनके लिए हम जो देते हैं वो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स देते हैं, और उसके बाद में पैलेट्स देते हैं, सीड मिक्स देते हैं। थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ। नॉर्मली हम मॉर्निंग के अंदर इनको देते हैं फ्रूट और थोड़े मिक्स वेजिटेबल। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग में मैंने इनको एक एप्पल का स्लाइस दे दिया, साथ में थोड़े वेजिटेबल मिक्स कर दिया, जैसे लेडी फिंगर हो गया और टिंडी हो गया, इसको चॉप करके दे दिया। अब फूड जो फ्रेश फूड और फ्रेश फ्रूट्स होता है, फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल होते हैं, वो 3 से 4 घंटा ही रखना चाहिए। आप उससे ज़्यादा रखोगे तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो कीप इट ओनली टू फॉर अराउंड 3 to 4 आवर्स, ठीक है। मॉर्निंग में मैं समझो 9 o'clock को दे रहा हूँ। फिर उसके बाद दोपहर के वक्त में मैं इनको एज अ स्नैक्स दे दिया सीड्स, ठीक है। और फिर शाम के टाइम पे वापस से इनको दूसरा फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल दे देता हूँ। जैसे शाम में मैंने इनको कॉर्न दे दिया, और उसके बाद में पपाया दे दिया, ठीक है, इवनिंग के टाइम पे, मतलब 6 बजे के टाइम पे। तो और वही आप 8-9 बजे तक के रखना चाहिए, फिर उसके बाद में वापस निकालना चाहिए। पानी जो होता है फ्रेश वाटर 24/7 केज में होना चाहिए। ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार उसको चेंज करना चाहिए। ट्वाइस अ डे वी हैव टू चेंज द वाटर, फ्रेश वाटर दीजिए। क्या होता है, जितनी भी बीमारी होती है नॉर्मली पानी और खाने की वजह से होती है बर्ड को। तो अगर खाना फ्रेश रहेगा और पानी फ्रेश रहेगा तो बर्ड आपका हेल्दी रहेगा। फिर हम डिस्कस करना चाहेंगे इसकी पर्सनैलिटी के बारे में। इसकी पर्सनैलिटी आप समझ लीजिए, छोटा बम बड़े, बड़ा बम छोटे पैकेज में। इसकी पर्सनैलिटी कोई मकाओ से कम नहीं है। दे हैव अ वेरी यू नो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी। कभी मैंने बहुत सारे, मेरे पास बर्ड्स हैं, मैंने देखा है कि कभी कभी ग्रीन चिक कॉर्नियर भारी पड़ जाता है अफ्रीकन ग्रे के ऊपर भी, बिकॉज दे हैव सच अ स्ट्रांग पर्सनैलिटी, ठीक है। दे आर वेरी प्लेफुल क्लाउनी बर्ड, घर में सब फैमिली मेम्बर्स के साथ में घुल मिल जाते हैं इजीली। आइडियल एज इनकी जो होती है, मतलब मेरे हिसाब से ग्रीन चिक कॉर्नियर को घर में लेके आने के लिए जो एज होना चाहिए, ऑन एन एवरेज 3 to 4 months होना चाहिए। जैसे वह हैंड फीडिंग से हट के सेल्फ फीडिंग के जो एज पे आता है, वो एज पे लेके आएंगे खरीद के तो बेटर होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो छोटी एज में होता है, तो आपसे, आपके साथ में, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ में इजीली घुल मिल जाता है। और उसके बाद में इनकी टॉकिंग एबिलिटी जो होती है, इनकी टॉकिंग एबिलिटी बहुत कम होती है। हार्डली 1 or 2 or 5 मैक्सिमम वर्ड्स सीखते हैं। दे मिमिक, मतलब एकदम रफ वॉइस होती है इनकी। दे मिमिक थोड़ा बहुत कर लेते हैं, एक दो विसल सीख लेते हैं,
येलो साइडेड कॉन्योर के कलर के बारे में बताना चाहते हैं। देखिए येलो साइडेड का कॉन्योर का कलर जो होता है इट इज़ येलो, यहाँ पे येलो होता है, ये देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे येलो होता है, देखिए ये देखिए पूरा येलो है और यहाँ पे रेड मार्किंग होता है। अब ये सिंगल रेड फैक्टर है इसके लिए यहाँ पे रेड मार्किंग है उनका, अगर ये डबल रेड फैक्टर होता तो ये जो रेड कलर है वो यहाँ तक के पूरा रेड होता, आप देख सकते हो। अब बैक साइड पे आप देखिए इनका ग्रीन कलर है, डार्क ग्रे कलर का हेड है इनका, इनका फिजिकल अपीयरेंस है। और इसकी आईज देखिए, आईज के बॉर्डर में वाइट कलर है, आप देखिए। ये बर्ड्स थोड़े निपी होते हैं, आप देखिए कैसे मेरी उंगली के साथ में खेल रहा है, ये एक्चुअली मुझे बाइट नहीं कर रहा है, ये मेरी उंगली के साथ में खेल रहा है। अगर बाइट करता तो उसका बाइट फोर्स इतना हार्ड है कि मेरी उंगली से खून निकल आता, ये उंगली के साथ मेरे खेल रहा था। देखिए टेल इनकी मरून कलर की होती है, आप देख सकते हैं टेल इनकी मरून कलर की होती है। ये फुल टेम बर्ड है, इंडोर फ्री फ्लाइट है, फुल विंग्स बर्ड है। इनका जो केज साइज मिनिमम होना चाहिए इट शुड बी 2 फीट इंटू 2 फीट, ये मिनिमम केज साइज है मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम इट्स टोटली अप टू योर रिक्वायरमेंट, ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, इतना केज साइज होना चाहिए, मिनिमम केज साइज होना चाहिए, इससे बड़ा होगा तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास स्पेस कंस्ट्रेंट है तो एटलीस्ट इतना केज साइज होना चाहिए। जब आप कोई टेम बर्ड खरीदते हो तो इट शुड बी गिवन अ प्लेंटी ऑफ टाइम विद द ओनर और विद द फैमिली। आप मतलब खरीद के उसको केज में रख दोगे तो कुछ देर के बाद में वो वाइल्ड हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, तो टू कीप इट टेम्ड आपको एटलीस्ट दिन में 3 से 4 घंटा बाहर निकालना चाहिए केज के, इंटरेक्शन कीजिए बर्ड के साथ में, हाथ पे लेके बैठिए, हेड स्क्रैचेस दीजिए इस तरीके से उसे, बर्ड्स को ये सब नॉर्मली पसंद होता है, हेड स्क्रैच ये सब आप करोगे तो आप उनको अच्छा लगता है, तो आप उनको टाइम दीजिए, दिन में 3-4 घंटा प्लेइंग टाइम होना चाहिए केज के बाहर। इन दी एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इट्स अ बिगिनर्स बर्ड, अगर आप ऑलरेडी कोकाटेल्स लव बर्ड पाल रहे हैं तो यू शुड अपग्रेड, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं कुछ एग्जॉटिक में लेना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर दी येलो साइडेड ग्रीन चिक कॉन्योर, या फिर आपके पास बर्ड नहीं है, आपको इंटरेस्ट है, आपको हॉबी है, तो आप ये येलो साइडेड ले सकते हैं। इट्स अ बिगिनर्स बर्ड, इजी टू केयर, इजी टू हैंडल होता है, प्रॉपर डाइट मेंटेन रखिए आप, प्रॉपर जिस तरीके से मैं एडवाइस किया हूँ उस तरीके से आप फॉलो करोगे तो इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम, ईजिली हैंडल हो जाएगा। और आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, यू कैन पुट इन कमेंट बॉक्स, मैं ट्राई करूँगा आपका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आपका कुछ भी डाउट है यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, और अगर कुछ मिस हो गया है तो उसके लिए सॉरी, जो मिस हो गया है आप अगर उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मेरा फेसबुक पेज भी है सारिम्स बर्डजॉटिक नाम करके, आप उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मली जो बर्ड्स मेरे पास सेल के लिए होते हैं मैं उस पर अपडेट करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मोस्ट प्रोबेबली मैं नया वीडियो चली बनाऊंगा, ट्राई करूंगा पाइनएप्पल कॉन्योर के बारे में बनाने के लिए, थोड़ा उसकी डिटेल्स देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।